अपने सहाफी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुतालबात, जो जायज़ मुतालबात, जो तमाम ताजरों की परेशानी का बायस बने हुए हैं, वो हमारी आवाज़ बहरे हुक्मरानों और हमारे ताजरों तक पहुँचाने के लिए यहाँ सब आए। और मैं अपने तमाम लाहौर शहर से आए तमाम ताजरों का, तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब हमारे साथ अपने हक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। जैसा कि तब्दीली सरकार ने जिस तरह कहा कि तब्दीली आ रही है, पिछले साल भी कोरोना के बाद में ऐसी तब्दीली आई कि हर ताजर परेशान रहा और इस साल भी उन्होंने उसी तब्दीली की अपनी रीत को कायम रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पीडीएम का गुस्सा ताजरों में निकाल दिया। हालांकि अब पीडीएम ने भी अपना जो मार्च मौखर कर दिया है, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और जो अदारे इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि ताजरों को भी आजाद मुल्क में आजादी के साथ कारोबार करने का मौका दिया जाए, ना कि उनके सर पे वो तलवार लटका दी जाए। कभी 6 बजे के वक्त के रूप में, कभी हफ्ते की छुट्टी के रूप में तमाम ताजर गैर सियासी हैं। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम लोग अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में रहते हैं और इसी दौर में सुबह जब आते हैं और शाम को चले जाते हैं। हमारा बड़ा जायज मुतालबा है कि जनाब ये 6 से 8 बजे तक टाइम कर दिया जाए और जो हफ्ते की छुट्टी है उसको जो खत्म किया जाए। अगर हुकूमत अपनी इसी हट गर्मियों में रही, इसी जिद में रही, तो ताजर भी मजबूर हो जाएंगे। कहीं ये ना हो किसी रोज ताजर 6 बजे दुकानें बंद करके अपनी मार्केटों के बाहर उसी ना धंधे में बैठ जाएंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये मुतालबा करूंगा कि जैसा कि आज बड़ा बाबरकत दिन सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन है, इसी की निस्बत से आज ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये नोटिफिकेशन जारी करें कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो खत्म करें। मेरा नाम भी सैयद मीर है, जगह से लाहौर और अपने ताजरों का मीडिया को बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि हमेशा अपने ताजरों को आप आवाज़ करते हैं और उन तक हुकूमत तक हमारा पैगाम पहुँचाते हैं। आप सबसे शुक्र गुजार हूँ कि इस वक्त तमाम आर्टिकल के जो सदर और जनरल सेक्रेटरी और उनके अहदेदार आए हैं उनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ कि एक इज्तमाही मसाइल में वो हमारा साथ देने के लिए खड़े हैं। मैं 2-3 बातें कहूँगा कि अगर ये मीडिया एक आवाज़ बने हमारी बाजार में, तो हमारा है कि सदर साहब जो है वो रफानी करे मास्क की, रफानी करे सैनिटाइजर की, तो जो सरकारी हॉस्पिटल है उस पर जाके देखे, उधर सरकार ने करना है काम, वहाँ जाके देखे बंदे के ऊपर बंदा चढ़ना है, मास्क कोई नहीं है, सिक्योरिटी कोई नहीं है, वहाँ पर उनको याद नहीं आता कि दीवारों में कुछ करना है, सिर्फ बाजारों में याद आता है जहाँ गरीब जो है वो मर रहा है वहाँ याद आता है, उधर याद नहीं आता। दूसरा ये अपना कोरोना के बहाने जो है पंजाब का जो मेरे पास सेहत है ये अपना उसको कर रहे हैं, जितने मेडिकल स्टोर हैं उनको नजायज काम कर रहे हैं मुख्तलिफ बहानों से। मैं आप मीडिया के जरिए मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से, खासकर पंजाब से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से खास करूँगा कि अगर जो उन्होंने नजायज काम करना
बंद ना किया तो तमाम मस्त कलंदर हो जाएगा। स्टोर अगर बंद हो गए मेडिकल तो ये दवाइयां कहां से लाएंगे? कहर बढ़ जाएगा। अल्लाह का वास्ता है जायज काम करना बंद करो। बाबे चार अपने ये नीचे वालों को रोकें। तीसरी बात, एसी कैंट साहब आए हैं नए, तीन दिन हुए हैं, उन्होंने आते ही जेदी ब्रांड है उसको चार दुकानें उन्होंने सील कर दी है। एक तो लेट देर से कर सकती थी, एक ही दिन में चार दुकानें बंद करना, इसका मतलब उनका पर्सनल मैटर है। ये भी सोचा गया है कि जी एसी कैंट साहब क्या कर रहे हैं, पचास दुकानें और भी उन्होंने सील की है ताकि लाहौर में कोई भी उम्मीद तो हरा था, इसी तरह ध्यान से काम करें। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने बाशऊर साथियों का तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनको भी मैं इस बात का इतना थोड़ी सी मेरी बात को तवज्जो से सुने कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है या कोरोना को आप करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं महारा के, मेले लगा रहे हैं, बैठ पे सजा रहे हैं, इतने वर्ष लगाए हैं, और दूसरा ये आप 6 बजे दुकानें बंद करके आपकी तूफान खड़ा कर दिए जब 6 बजते हैं तो ऐसे लगता है सारा लाहौर बाहर आ गया। ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि ये कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, कोरोना को फैलाने के लिए साजिश हो रही है जिसको किसी कीमत पर ताने कबूल नहीं किया जा सकता। और ना ही हफ्ते की छुट्टी को मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहूँगा कि खुदा के लिए आप तवज्जो दें, क्या हो रहा है स्कूल पे, कहाँ जा रहा है? हमारे तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, फैसले सज रही है, जो मरकज है हमारा तालीमी इदारे उनको बंद करके इतना बड़ा स्टूडेंट ट्रेड को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस पूरे पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं उनके लिए परेशानी का बाइक खत्म हो गया, बच्चे घरों में हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। ये इदारों को बंद ना करें, वजीर आज़म साहब इस पर भी सोचें कि एक तरफ तो आप पूरे मुल्क की बात करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा तालीमी निज़ाम उसके लिए भी आपके साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका ये मतलब हर किस नहीं कि आप प्राइवेट पब्लिशर को बाहर निकाल कर और आप उन लोगों को हुकूमत जो है वो अपनी बनाए अपनी बता रहे हैं, लोग तो परवान चढ़ाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इस पर कंट्रोल करवाए, इसको रोके, उतनी देर तक जितनी देर तक प्राइवेट सेक्टर को किताबें चाहते हैं उतनी देर तक काम कतई तौर पर सरकारी इदारों को छापने की, पूरे मुल्क के सरकारी इदारों को छापने की इजाजत ना दीजिए जब तक हमारे प्राइवेट पब्लिशरों का निर्वाह नहीं किया जाता। ये एक रोजगार का मसला है। 8 माह तक तो उन्होंने कोरोना की बात खाई और आज फिर उन पर एक तरदार लटका दी गई और एनओसी एनओसी उनको दे नहीं रहे क्योंकि कंपटीटर है हुकूमत, इसको लेकर चलना चाहिए आगे, इसको जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए, इनका तो बड़ा एक किरदार है हमारे मुल्क में। तो इसी तरह हमारे जितने कारोबार है आज पूरे छोटा कारोबार दिवालिया हो चुका है, उसका कारोबार रहा नहीं, मखलूज हो चुका है, और उसके बावजूद आप देखिए शादियां पर भी पाबंदी, होटल पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, और चीज़ों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, ये किसी की कीमत पर काम नहीं होती, क्या हो रहा है? इस पर सरकार के साथ अपनी टीम के साथ बैठकर आप करें, रहने मजबूर ना करें आप, क्योंकि पाकिस्तान की ताजा क्रांति पाकिस्तान की गैर सियासी सबसे बड़ी कुवत है। अगर ये सड़कों पर आएगी तो फिर कोई रास्ता नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि एक लोग का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का इस वक्त मसला बन गया है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, सबका मसला बना है। तो इसके लिए दारा सोचे और इस पर संजीदगी से गौर करें और इस अपने अहकाम को वापस दें फौरन। 8 बजे से पहले किसी सूरत में कार्य कबूल नहीं है। हम इंदौर में का मसला नहीं पैदा करना चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हफ्ते वाली दिन की छुट्टी पर जान ना हो, हमें मजबूर ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। अपने कार्य बरादरी अपने कार्य भाइयों
उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा, उन्होंने जवाब देना है कि क्या आपको हफ्ते की छुट्टी मंजूर है? शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।